हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, वी आर गोइंग थ्रू एनसीईआरटी बुक एंड राइट नाउ वी आर इन द यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड इन दैट वी आर गोइंग थ्रू चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न सम टॉपिक्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. In the last class, we have studied mechanism of respiration. Hope you have understood that. Okay. See, the question arises, you understand by this term, exchange of gases. Okay? Exchange of gases, is taking place. But at two levels, primary level and secondary level. आपको बताया है एक एक्सचेंज लंग में के सरफेस पर हो रहा है, लंग के रेस्पिरेटरी सरफेस पर एक एक्सचेंज हो रहा है जहां पर ऑक्सीजन इज कमिंग टू द ब्लड एंड CO2 इज कमिंग आउट ऑफ द ब्लड. ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड एंटरिंग द ब्लड एंड CO2 इज coming out of the blood and entering the atmosphere. This is primary exchange, which is taking place at the respiratory surface. The secondary exchange is taking place at the tissue level, at primary level. Here, respiratory surface is basically consisting of, बताइए respiratory surface किसको हम कह रहे हैं? Yes, बाहर से अंदर की तरफ जाए तो क्या है इसमें? Squamous epithelial cell. जो एल्वियोलर सेट का टाइप है तो लिखोगे स्क्वायमस इपिथेलियल एल्वियोलर सेल. ये स्क्वामस एपिथेलियल एल्वियोलर सेल बैठा हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, तो सपोर्टेड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन. इस रेस्पिरेटरी सरफेस या मेम्ब्रेन की मोटाई थिकनेस इन सब के थिकनेस को जोड़ देने के बाद बनेगी. और यहां पर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है. Okay, and diffusion is the physical process which is dependent upon the concentration of the gas which has to be diffused plus the thickness of membrane, the temperature, but the body ka temperature is constant, so we can ignore that. Ab thickness us membrane ka jitna mota hoga, diffusion utna kam hoga. तो क्या जरूरी है? इस रेस्पिरेटरी सरफेस के थिकनेस को कम से कम होने की, ठीक है? इसलिए स्क्वामस एपिथेलियल एल्वियोलर सेल का जो शेप है वह स्क्वामस है. स्क्वामस मतलब चकत्ता, पकड़ी. समझे बात को? इनके जो सेल्स हैं थिकनेस इनकी कम है. ये ऐसे नहीं है क्यूबॉइडर. एक एपिथेलियल सेल का टाइप है स्क्वामस, पपड़ी जैसा, चकत्ता जैसा, और दूसरा है ऐसा जो क्यूब के जैसा है. एक है कॉल्यूमनर, है कॉल्यूमनर, एक है कॉल्यूमनर और माइक्रोविलाई.
टिशू का चैप्टर आप नहीं पढ़े, उसमें ये सब है। ओके, तो इपिथेलियल सेल्स जहां पर एक्सचेंज हो रहा है गैस का, वहां मेम्ब्रेन को पतला होना चाहिए, इसलिए स्क्वामस टाइप ऑफ सेल। और जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, जहां सिक्रीशन कर रहे हैं सेल्स, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी सेल अपने अंदर कुछ बना रहा है हार्मोन या एंजाइम और उसको रिलीज कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, सेल के बाहर वो जा रहा है, वहां पर होते हैं सेल क्यूबाइडर। और जहां एब्जॉर्प्शन कर रहा है सेल, यानी अपने अंदर खींच रहा है मटेरियल बाहर से, वहां जैसे इंटेस्टाइन के सेल्स, वहां होते हैं कोल्यूमनर। मोटा मोटी ऐसा प्लान, समझ गए? अब समझो आगे। इसलिए स्क्वामस इपिथिलियल सेल की मोटाई है इसको, रेस्पिरेटरी सरफेस, या इसको कह लीजिए मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन से आप धोखा मत खाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी सरफेस। ये मेम्ब्रेन जो कहला रहा है, इसमें कई सारे चीज एडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, जैसे स्क्वामस एपिथेलियल का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल तो कुछ से चिपका रहेगा ना, नहीं तो उड़ चकत्ता जैसा है, वो लूजली कॉन्टेक्टेड है, तो वो निकल सकते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सपोर्टेड है स्क्वामस एपिथेलियल सेल। ओके, एंडोथेलियल सेल भी, ब्लड के एंडोथेलियल सेल्स जो है वो भी पतले होते हैं, उनकी थिकनेस भी कम होती है, तो वो, और वो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है, ब्लड कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। ये एंडोथेलियल सेल्स भी अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बैठे हुए हैं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हो गया रेस्पिरेटरी सरफेस पूरा, एंडोथेलियल सेल, ब्लड इधर और इसके इधर ब्लड है, और यहाँ एटमोस्फेरिक एयर है, एंड दिस इज दैट सरफेस। हो गया स्क्वामस एपिथेलियल सेल, एल्वियोलाई का दिस सिंगल लेयर्ड है, एंड दिस इज सिचुएटेड ऑन, इसका अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड एंडोथेलियल सेल्स इतना अलग नहीं होता है, थोड़ा नजदीक। ये भी स्क्वामस शेप्ड है, और ये अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट किए हुए हैं, समझा? अब ये हो गया उसका रेस्पिरेटरी सरफेस। तो एट द प्राइमरी लेवल हियर द एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस, एंड एट द सेकेंडरी लेवल, तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, ब्लड एल्वियोलाई लिखिए, यानी उस एल्वियोलाई में एटमोस्फेरिक एयर है, एल्वियोलाई से एटमोस्फेरिक एयर
इज गोइंग टू ब्लड. ओके, एंड ब्लड से, और यहीं पर इसको बैक कर देते हैं. ब्लड से फिर डी ऑक्सीजनेटेड या इसको भैया बीच में रेस्पिरेटरी सर्फेस है. तो दिस इज हैपनिंग एट द प्राइमरी लेवल, समझ रहे बात. एंड एट द सेकेंडरी लेवल एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेकिंग प्लेस. वहां पर क्या है, टिश्यूज, द रेस्पिरेटरी सरफेस, टिश्यूज, तरह तरह का टिश्यूज है पूरा बॉडी में. यहाँ पर तो एक ही तरह का था ना इपिथेलियल टिश्यू, उसमें भी स्क्वामस टाइप. यहाँ तरह तरह के टिश्यू, लेकिन एंडोथेलियल सेल की लाइनिंग वही, टिश्यू की लाइनिंग बदलेगी. ठीक है, तो पहले ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड वेसल के अंदर है, तो एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स आर रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इन टच विथ द टिश्यू. टिश्यू है, सेल्स जो है टिश्यू के अंदर है. सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ऐसा ही ना सारा टिश्यू सेक्शन है टिश्यू का, सेल्स है. अब डिपेंड करेगा किस टाइप का टिश्यू है. किसी टिश्यू में सेल्स सटा हुआ है, कॉम्पैक्ट है बहुत, जैसे बोन का टिश्यू, कनेक्टिव बोन, और कनेक्टिव टिश्यू लाइक ब्लड, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें सेल्स बहुत दूर दूर है. तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है ब्लड में, और बोन में बहुत कम है. और भी तरह तरह के टिश्यू है लाइक एडिपोज टिश्यू. तो किसी भी तरह का टिश्यू में यह ब्लड वेसल्स, हर तरह के टिश्यू में यह ब्लड कैपिलरी नेटवर्क इनकॉर्पोरेटेड है. ओके, तो टिश्यूज में पहला कॉन्टेक्ट इनका सेल के बीच के स्पेस से होगा. ओके, और वह टिश्यू जिस मेम्ब्रेन के टच में है, बहुत सारे, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया. मेम्ब्रेन ऑफ द टिश्यू, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. फिर हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल के बीच बीच के स्पेस में आया.
या हो सकता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन के टच में हो, यह भी हो सकता है कि उस टिश्यू के सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि एंडोथेलियल सेल्स का है उसके टच में हो। इसमें वैरायटी हो सकती है, हम जो है मैक्सिमम वो बना रहे हैं कितना थिकनेस हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें थिकनेस कम होगा वह टिश्यू बहुत ही ज्यादा वेंटिलेटेड होगा, ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होगी, थिकनेस कम है डिफ्यूजन ज्यादा हो सकता है वहां। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड देन सेल्स ऑफ द टिश्यू। बात को अब ये आप इसको ऐसे कर लो, ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स हैं, यहां ब्लड आ रहा है, कैपिलरी ट्यूब है, एक कैपिलरी ट्यूब में एक बार में एक आरबीसी फ्लो कर सकता है, पास कर सकता है। सबसे छोटा वाला कैपिलरी में इतना पतला होता है वो महीन, आरबीसी के न्यूक्लियस नहीं है। यहां से आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन टच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस, सो द थिकनेस यहां से काउंट कर रहे हैं डिफ्यूजन का, दिस वी आर इंक्लूडिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन, सॉरी एंडोथेलियल सेल इसको नहीं काउंट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो हम अब उतना डिटेल में जाओगे तो हमको इसके मेम्ब्रेन की भी थिकनेस काउंट करनी पड़ेगी आरबीसी के, क्योंकि ऑक्सीजन एक्चुअली यहाँ पर है। आप ये भी लिख सकते हो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी को क्रॉस करेगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स को एक तरफ से क्रॉस करेगा ऑक्सीजन, फिर पूरा एंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करेगा। ओके, अब ये कैपिलरी टिश्यूज में सप्लाइड है, ये टिश्यू है, एंड दिस टिश्यू इफ दिस एंड इसमें दिस कैपिलरी नेटवर्क एंडोथेलियल सेल इज रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? प्रोटीनेसियस ग्लाइकोप्रोटीन का एक लेयर, ये लिपिड नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर। तो इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ दैट टिश्यू इफ प्रेजेंट, नाउ द सेल्स प्रेजेंट इन द टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, प्रोटीन्स हैं, फाइबर्स हैं, इसको क्रॉस करेगा फिर सेल्स ऑफ द टिश्यू तक पहुंच जाएगा। सेल्स ऑफ द टिश्यू को लिखने के बजाय हम ये लिख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन टिश्यू विच हैज टू बी सप्लाई। मोर प्रिसाइजली इतना हो गया डिटेल, ऐसा थिकनेस बड़ा है। अब आते हैं क्या गया, क्या लिखा है,
Alveoli are the primary sites of exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissues. O2 and CO2 are exchanged in this site by simple diffusion, mainly based on pressure or concentration gradient. So this, मिटा दे इसको, ये बात समझा? So this exchange of gases is dependent upon the pressure and concentration gradient. The force behind this exchange of gas is the difference in the pressure and concentration between these sites. अब इसको समझो. देखिए, प्रेशर, अच्छा, क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है कंपोजिशन, कहां से शुरू करते हैं, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन. व्हाट इज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन? द मोस्ट अबंडेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म N2 एंड देन ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म. थर्ड लार्जेस्ट गैस इन आवर एटमोस्फेयर इज नो आर्गन. द फोर्थ लार्जेस्ट इज CO2. इन चार के अलावा और जो गैसेज हैं हमारे वायुमंडल में, ये सब नोबल गैस. आर्गन भी नोबल गैस. नोबल गैस मतलब जब हम नोबल गैस बोल रहे हैं मतलब, हाँ समझ तो रहे हो, यानी उसको किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं बॉन्ड नहीं बनाता है. हाँ उसको वो इस कहीं बॉन्ड नहीं बनाएगा, ना आयनिक बॉन्ड बनाएगा ना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. तो उसको इलेक्ट्रॉन उसका कंप्लीट है, उसको चाहिए ही नहीं, अपना दरवाजा बंद किए हुए. नोबल गैसेज है, और नोबल गैसेज के से एक कम किसका रहता है, सात रहता है इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं उस ग्रुप को, हेलोजन, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ये सब. ठीक है, अब चलो, ये नोबल गैस बहुत सारे हैं हमारे वायुमंडल में. आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, हीलियम है, ये सब नोबल गैसेज है. इसके अलावा हमारे वायुमंडल में मीथेन भी है. ओके, ये ड्राई एयर की हम बात कर रहे हैं, इस हवा में पानी नहीं है तब, तो वाटर वेपर. अब कहीं बारिश का मौसम है तो उस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, वहां बदल जाएगा कंपोजिशन. हम ड्राई एयर की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर. इसी से मतलब है कितना है गैस, सी कितना है नाइट्रोजन बताइए, 72. यस 78. ऑक्सीजन 8. प्रदूषण रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन घटते जाएगा ना, ये कंपोजिशन कोई फिक्स थोड़ी होता है एटमॉस्फेयर में. नाइट्रोजन क्यों घटेगा, नाइट्रोजन का थोड़ी प्रदूषण हो रहा है, ऑक्सीजन ना घट रहा है, ऑक्सीजन ना आप जला रहे हो, ऑक्सीडाइज.